हाय, मेरा नाम है आयुष और मैं रिसेंटली अपने गांव गया था अपनी फैमिली के साथ। और उससे ज़्यादा बोरिंग जगह मैं कभी नहीं गया हूँ। और इसी बोरियत में मैंने गूगल पे ऐसी सर्च किया प्लेसेस टू विज़िट नियर माय विलेज, और मुझे पता चला कि बनारस यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर्स के आसपास है। तो फिर क्या, मैंने अपना बैग उठाया, उसमें पावर बैंक डाला, ईयरफोन डाला और मैं निकल गया बनारस की तरफ। तो यही बनाया है मैंने छोटा सा व्लॉग उसके ऊपर कि मैंने बनारस में क्या क्या किया एंड हाउ इट मेड मी अ बेटर पर्सन ओवरऑल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा लेट। ऑनलाइन देखा था तो ट्रेन दिखा रही थी 4:30 तक पहुंचने की, बट द टाइम इज़ नाउ 4:50 एंड वी गॉट रियली लेट, बट लेट्स सी इफ वी विल रीच देयर इन टाइम। मोस्ट प्रोबेबली वी विल नॉट, बट देखते हैं क्या होता है। ओके, सो फाइनली वी आर हियर एंड अभी हम लोग घाट की तरफ ही जा रहे हैं। काफ़ी जगह और काफ़ी बोर्ड देखने के बाद, काफ़ी घूमने के बाद फाइनली मुझे देखने को मिल गई द ब्यूटीफुल एंड द माइटी गंगा रिवर। गंगा नदी के इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखने के बाद मुझे काफ़ी दूर से घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसको सुनते ही मैं उसकी तरफ चलने लगा, क्योंकि मैं समझ गया कि आरती चालू हो चुकी थी और सुबह सुबह आरती के दर्शन लेना ही मेरा मेन मकसद था। आरती ख़त्म होने के बाद वहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी, तो मैं सोचा बोटिंग भी कर लेते हैं। इसके लगे मुझे 100 रुपीज़ जिसमें मुझे सारी घाटें घुमाई। साइड ऑफ द घाट है और ऐसा है भाई यहाँ का एरिया, ये इसके अपोजिट पड़ता है। 100 रुपीज़ लगे मेरे, तो सारी पूरी घाट घुमाए यहाँ पे और उसके बाद यहाँ का भी आने का सीन हुआ। और पानी गहरा नहीं होता इतना, पानी काफ़ी मीडियम लेवल पे है। सो वी जस्ट एंडेड दिस पार्ट है और आगे देखते हैं। कॉमेडी भी हो गई अभी थोड़ी सी मेरे साथ, मैं लड़खड़ा गया था भाई स्टेप्स पे, पर चलता है। सो दिस इज व्हाट वी आर ईटिंग फॉर ब्रेकफास्ट। चिल्ला टाइप है, जिसका परफेक्ट नाम नहीं मालूम है। और ये है भाई हमारी डिश, 60 रुपीज़ की पड़ी है और ऐसे में एक पीस पूरा मिलता है। और खाते हैं, अब इंजॉय करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं मंदिर मंदिर का सीन। फोन ले आने को तो अलाउ नहीं है, तो वीडियो उतना शूट नहीं हो पाएगा, बट देखते तब भी कुछ सिस्टम बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूछा था वहाँ पे शॉप पे कि भाई कोई बढ़िया सी लस्सी की शॉप बता दो, और उन्होंने कहा था ब्लू लस्सी करके एक शॉप है, आगे वहाँ आ जाओ। तो ऐसा है भाई, यहाँ का बोर्ड देख लो, पर जापानीज़ टूरिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ पे। और ये है भाई इनकी शॉप, तो हम लोग भी ज़रा ब्लू लस्सी पीते हैं और देखते हैं क्या है ऐसा। बहुत ही इनकी फेमस लस्सी भाई, मैंने अभी तक ट्राई तो नहीं की, ट्राई करते हैं ज़रा अभी एक बार। थोड़ी सी गिरा भी दी मैंने भाई ट्राई करने के चक्कर में।
स्पेशल नहीं लगा मुझे इतना बोला जा रहा था, पर ठीक है यार। इतना सब कुछ घूमने के बाद बनारस में काफ़ी गर्मी हो गई थी, तो मैं 1-2 बजे के आसपास वर्चुअल म्यूजियम चला गया था। वहीं पे 20 रुपीज़ टिकट पड़ती है एंड काफ़ी सही जगह है चिल करने के लिए, AC बढ़िया लगी हुई है। तो वहीं पे मैं बैठ के अराउंड 3 या 4 बजे तक वहीं पे बैठ के मैं आराम किया था। उधर ऐसा लाइट शो भी होता है। और ये सब ख़त्म करने के बाद जो म्यूज़ियम का छत है, छत पर भी काफ़ी चीज़ें हैं घूमने को। गर्मी में तो घूमने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, ठंड के टाइम जाते हो तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो यही सब घूमते फिरते शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा अब शाम की आरती देखने चलते हैं। तो यहाँ पे आरती का सब कुछ शुरू हो ही रहा था और भीड़ अभी से लगना चालू हो गई थी। तो मैं थोड़ा वहाँ पे आरती चालू होती है तो हम लोग और अंदर गए आरती देखने के लिए, और इसके आगे आप लोग खुद आरती देख लो कैसी होती है बनारस के शाम टाइम वाली। मातरं गंगाक्षतिं निर्मलं च करोतु शङ्कलपं गृहे महाप्रवक्त्या। स्टेशन पे चल लेते हैं, बाद में देखा जाएगा यार जो भी कनेक्ट जो भी इशू होगा। अगर जल्दी आ गए तो बहुत बढ़िया है, लेट आ गए तो वहीं पे इंतज़ार करेंगे। और जो यहाँ का ही मेन रोड है जो मंदिरों को और घाट से कनेक्ट करता है, उसके भी इतना ज़ोरदार भीड़ है भाई, तुम लोग मैं दिखाता हूँ। फॉर डिनर हम जस्ट गोना हैव दिस 30 रुपीस चाय भाई। सर्विंग थोड़ी कम है पर कोई बात नहीं, फिर आगे देखते हैं। दिस वॉज द बनारस ट्रिप यार, काफ़ी मज़ा आया मुझे इसमें सोलो ट्रिप करने में, और वो भी बहुत ही लो बजट पे। और मैं आप लोगों को डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर सोलो ट्रिप करें, बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी यूनिक। फिर आप एक टूरिस्ट नहीं, एक ट्रैवलर की तरह फील करते हो, बिकॉज यू आर अलोन और आपको अपने से ही सब कुछ करना पड़ता है एंड सारे डिसीजंस आपको खुद से ही लेने होते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता है। इट्स अ लिटिल बिट टफ ऑल्सो, काफ़ी समय आपको लगता है कि काश यहाँ पे कोई होता तो मेरी ये हेल्प हो जाती, जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा काफ़ी बार हुआ। बट ओवरऑल इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग भी एक बार सोलो ट्रिप अपनी लाइफ में ज़रूर करें। अभी तो भाई काफ़ी लोग के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, बट जब आप थोड़े बड़े हो जाओ तब ज़रूर एक बार करके ट्राई करना, काफ़ी मज़ा आता है यार। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आई नो काफ़ी समय बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बाहर था बहुत ही समय से, मार्च में भी अप्रैल में भी, अभी मनाली गया था मैं, उसका भी ब्लॉग्स अपलोड करने यार। और बस फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। अब मैं चलता हूँ एंड अंटिल नेक्स्ट वन, बाय बाय।